महिला के 5,000 रुपया दे रहे हैं आंगनबाड़ी का, उन नौकरी है, और 700 रुपया सहायिका का। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव की सरकार गुंगी बहरी की सरकार है। बहन बेटियों और बहुओं को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? सिर्फ वही कमजोर है क्या इस बिहार के लोकतंत्र में? अभी जा रहे हैं हम लोग महिला से मिलने, आंगनबाड़ी महिला से मिलने जा रहे हैं। डिमांड है कि उन लोग का मांग पूरा करे, और अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज किया है, लोग महिला लोग के ऊपर भगाया जा रहा है, उस पर सरकार ध्यान दे। सरकार महिलाओं का जो वेतन के लिए सब लड़ रही है उनको वेतन बढ़ाया जाए। सरकार तो कही कि हम नौकरी दे रहे हैं रोजगार। क्या 5,000 रुपया नौकरी है? महिला के 5,000 रुपया दे रहे हैं आंगनबाड़ी का, नौकरी है, और 700 रुपया सहायिका का, सेवका का 5,000 और 700 सेवका का सहायिका का, यही नौकरी है। लेकिन सदन में तो सुन नहीं रही है। सदन में नहीं सुन रही है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री या तेजस्वी यादव की सरकार गुंगी बहरी की सरकार है, वो सदन में हम लोगों ने एनडीए के विधायकों ने आंगनबाड़ी बहनों के सेविका सहायिका के पक्ष में बात रखा, तो नीतीश कुमार जी और उनके सरकार के लोग नहीं सुन रहे हैं। इसलिए हम लोग भाजपा के विधायक एनडीए के विधायक ने सदन से निकला और सदन के बहिष्कार करके हम लोग आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के बहनों के मांग के समर्थन में सदन से निकलकर सड़क पर उनके समर्थन में हम लोग जा रहे हैं। सवाल तो ये उठ रहा है कि आप लोग अगर सेविका के लिए उठा रहे आवाज तो केंद्र सरकार क्यों नहीं बढ़ा देती? केंद्र सरकार मांग दे रही है, जो भी मिल रहा है सेविका सहायिका को, अभी चाहे पोषाहार की राशि हो, पोशाक हो या मानदेय है, वो केंद्र सरकार दे रही है। मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ, केंद्र सरकार दे रही है तो बिहार सरकार भी कम से कम उसे 10,000 रुपया दे। हम लोग तो मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार दे रही है, बिहार सरकार क्यों नहीं? बिहार सरकार आंगनबाड़ी सेविका सहायिका बहनों का विरोध क्यों कर रहा है? हम इस बात को मांग कर रहे हैं। को दे सकते हैं, विकास मित्र को दे सकते हैं, टोला सेवक को दे सकते हैं, तो क्यों नहीं आंगनबाड़ी सेविकाओं को दे सकते हैं? और उनकी चयन मुक्ति सबसे आसान प्रावधान बनाकर उनको बहन बेटियों और बहुओं को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? सिर्फ वही कमजोर है क्या इस बिहार के लोकतंत्र में? सबका अधिकार है, और इस अधिकार के अनुसार जिस तरह आशा का मानदेय बढ़ा, विकास मित्र टोला सेवक को मिला, शिक्षकों को नियुक्ति मिली, अगर इनका सब कुछ पर ध्यान है तो आंगनबाड़ी सेविकाएं जो सारे बच्चों का भविष्य देख रहे हैं। ने कहा कि लाठी चार्ज हुई नहीं है, आप लोग बरगलाने की कोशिश करें सदन। अब आलोक मेहता क्या कहते हैं, तो खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्री लोग सिर लेना बंद करे, उस मंत्रिमंडल के मंच पर वह बैठे थे, उनको इस करने का तो अधिकार ही नहीं। मानते हैं कि शिक्षकों की नियुक्ति सही तरीके से की गई है? मैं तो नहीं मानता हूँ। शिक्षकों की नियुक्ति में जो भारी घोटाला है वह कुछ दिनों में स्वयं, सबसे बड़ा घोटाला तो यह है कि जो नियोजित थे उनको आप नया नियोजन दिखा रहे हैं, वह तो पहले से भी नियोजित थे। कहा कि शिक्षकों की जैसे नियुक्ति हुई वैसे ही होनी चाहिए। नहीं, मेरा कहना यह है कि शिक्षकों के नियुक्ति में जो प्रावधान आपने अपनाया कि हम उनका बढ़ा देंगे, नियोजित शिक्षक का भी बढ़ा देंगे, वैसा ही पैसा बढ़ाना चाहिए मानदेय का आंगनबाड़ी के लोगों का। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। धीरे धीरे से, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरामा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरामा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरामा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी, पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।